Hi everyone, welcome to Current Crunch. Today we are starting a new playlist in which we'll be covering PIB News Weekly Analysis. हम start करते हैं July के month से, ठीक है? तो पहला week देख लेते हैं July का और ये आ, मेरा email ID है. In case you have any queries, you can reach me here. तो पहली news जो हमें देखनी है वो है PM ने launch किया है National Sickle Cell Anemia Elimination Mission in Shahdol, Madhya Pradesh. तो हम देखते हैं ये mission है क्या? ठीक है? तो ये दोनों आपके mains plus pre के लिए important है. और उन्हें अपनी स्पीच में किस किस चीज़ के बारे में कहा है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड टू बेनिफिशरीज ये भी देखेंगे क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट थ्री पॉइंट फाइव सेवन करोड़ जो आयुष्मान भारत कार्ड्स है इन मध्य प्रदेश जो उनके बेनिफिशरीज हैं उनके लिए कार्ड्स 500 हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी दुर्गावती विल बी सेलिब्रेटेड एट नेशनल लेवल ये भी देखेंगे कौन है एंड कैंपेन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया विल बिकम अ की मिशन ऑफ द अमृत कार्ड ठीक है देखो अमृतकाल क्या है ये पहले भी पीएम ने अपनी एक स्पीच में यूज किया था जब सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए थे इंडिपेंडेंस को कि इंडिया जो है इज नाउ एंट्रिंग इन टू अमृतकाल तो बेसिकली एक अच्छा टाइम आने वाला है एक अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है इस बात का जिक्र किया है इसमें और रिसेंटली अभी जो बजट पास हुआ था उन्होंने उसमें ने ने अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल तो बेसिकली अमृतकाल एक ऐसे टाइम को बोला गया है जिसमें इंडिया को एनविजन किया गया है एज टेक्निकल एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज ड्रिवन नेशन ठीक है ऐसा नेशन जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन पब्लिक फंडिंग को इंक्रीज किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ज्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा ठीक है तो बेसिकली एक अच्छा जो आपके कंट्री का टाइम है उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है अमृतकाल फाइन और आदिवासी कम्युनिटी के बारे में कहा है कि फॉर अस इट इज नॉट जस्ट एन इलेक्टोरल नंबर बट अ मैटर ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी एंड इमोशन ठीक है ये पी एम की स्पीच से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी पी आई बी की वेबसाइट पर दिया गया है तो सोर्स हमारा पी आई बी है डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से हमने कॉपी किया है अब ये जो मिशन है सिकल सेल एनेमिया मिशन उससे पहले हम देखते हैं जो सिकल सेल है बेसिकली होता क्या है वॉट इज सिकल एनीमिया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी में ठीक है जो रेड ब्लड सेल्स है वो नॉर्मली ऐसी होती है शेप की राउंड होती है और फ्लेक्सिबल होती है उसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू इजीली मूव कर पाती हैं ठीक है जिससे वो कैरी कर पाते हैं ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अब जिनको सिकल सेल एनेमिया डिसऑर्डर डिजीज़ हो गया होता है उनकी जो आर होती हैं वो सिकल शेप की होती हैं आपने एग्रीकल्चर टूल भी देखा होगा वो सिकल जिससे जिससे हम हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं वो थोड़ा इस शेप का होता है तो वहीं से नाम लिया गया है सिकल ये आरबीसी सिकल शेप की होती हैं इस वजह से ब्लॉक हो जाती हैं ब्लड वेसल्स में अच्छे से पास नहीं कर पाती जैसे कि ये नॉर्मल आर कर पाए ठीक है तो उससे क्या हो जाता है ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है पूरा टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और में हम ऑक्सीजन सिकल से लेने में जिनको होता है वहां पूरा ऑक्सीजन और नहीं पहुंच पाता उनके ऑर्गन्स को इस वजह से क्योंकि ये सिकल शेप सेल्स होती हैं जो कि आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉक हो जाती हैं ठीक अब इसमें बात हुई है जेनेटिक स्टेटस कार्ड्स की ये कार्ड भी दिया जाएगा बेसिकली ये कार्ड क्या करेगा कपल जिनका चांस ऑफ हैविंग ऑफ स्प्रिंग विद सिकल सेल एनीमिया ठीक है उसका स्टेटस जो है उस कार्ड पे लिखा होगा वो डिटरमिन करने के लिए कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स किया जाएगा एंड दिस विल आल्सो मार्क अ क्रूशियल माइलस्टोन इन द गवर्नमेंट्स एफर्ट एलिमिनेट करने के लिए सिकल सेल डिजीज को बाय 2047 ठीक है आगे देख लेते हैं ये इम्प्लीमेंट होगा 278 सेवेंटी एट डिस्ट्रिक्ट में ऑफ सेवनटीन हाई फोकस स्टेट्स इन द कंट्री नेमली ये सारी स्टेट्स में सेवेंटीन हाई फोकस स्टेट्स हैं ये आप नाम एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके और चाहे तो याद भी रख लेना ये डायरेक्टली पी आई बी की इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द प्रोग्राम पी आई जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑनर किया है रानी दुर्गावती को जो रूलिंग क्वीन है गोंडवेना की जो आपका प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है एम पी इन द मिड सिक्सटीन सेंचुरी ये एक ब्रेव फेयरलेस कलेजियस वॉरियर थी जिन्होंने फ्रीडम अगेंस्ट मुगल्स में काफी लड़ाई की है तो बेटल ऑफ नराई इनसे इन एसोसिएटेड है बेटल ऑफ नराई ठीक है ये भी याद रख लेना ये हम आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा जो रानी दुर्गावती थी ऑल्सो उन्होंने रानी दुर्गावती ऑफ गोंडवना वॉज ए प्रोमिनंट इंडियन क्वीन एंड वॉरियर हु दिक्सटीन सेंचुरी ठीक है ये पैदा हुई थी फिफ्टीन टवेंटी फोर में गोंड किंगडम में प्रेजेंट डे एम पी इनकी रेन के टाइम पे इन्हें थ्रेट्स फेस की थी मुगल से स्पेशली अंडर अकबर और 56 सिक्स से फिफ्टीन में इन्होंने फेस किया था मिलिट्री इन्वेजन लेड बाई आसिफ खान मुगल जनरल आप यर चाहे ना भी याद रखें ये आपको पता होगा सिक्सटीन सेंचुरी के का टाइम है इनका ये आप याद रख लेना तो अकबर के टाइम पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस की थी थ्रेट फेस की थी मुगल एम्पायर से अब डिस्पाइट ऑल फेसिंग दीज ओवरवेलमिंग ऑर्ड्स उन्होंने काफ़ी खुद को अपनी किंगडम को जो है वो उसके लिए उसको डिफेंड किया लड़ाई काफी अच्छे से की बैटल ऑफ नाराई में मैंने कहा था बैटल ऑफ नाराई भी आप याद रख लेना ठीक है लेकिन फाइनली उन्हें सरेंडर नहीं किया बट इंस्टेड शी चोज टू तो परफॉर्म जौहर सेल्फ इमोलेशन जिसमें सारी लेडीज और तो बच्चे खुद को डायरेक्टली आग में डाल देते थे और सरेंडर नहीं करते थे तो उन्होंने ये चूज़ किया तो उनका जो सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी है उस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी एक रिवर्ड काफ़ी एक मानी जानी ये हस्ती हैं और शी इज सेलिब्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ़ करेज एंड पेट्रोइटिज्म ठीक है तो उन्हीं के जहाँ पे वो जो उनकी किंगडम थी तो वहीं से ये जो मिशन है इसको स्टार्ट किया गया है तो हमारे पीएम ने इन दो चीज़ों को रिलेट किया कि जैसे उन्हें बहादुरी से लड़ाई की थी उसके मुगल्स के खिलाफ या अपने दुश्मनों के खिलाफ अपने किंगडम को डिफेंड किया था वैसे ही जो ये स्कीम है ये डिफेंड करेगी वहां के लोगों को इस बीमारी से इनको बचाएगी और बाय 2047 कंप्लीट एलिमिनेशन जो है सिकल ये पहली की न्यूज देख लेते हैं अभी गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स जो है वो एड हुआ है ये डिस्प्ले किया गया था लंबानी आइटम्स कितने सेवनटीन ये कब हुआ था अभी जो जी कल्चर मीट है उस टाइम पे ये डिस्प्ले किया गया था आइटम्स ऑफ लंबानी वर्क और ये कहाँ पे हुआ था कर्नाटका में ठीक है लंबानी बेसिकली क्या ये एक वाइब्रेंट कलर्स अगर आप देख सकते हो वाइब्रेंट कलर्स जो है यूज किए गए हैं और इसमें जो है काफी एक नीडल वर्क एक बिल्कुल साफ इंट्रिकेट नीडल वर्क और मिरर वर्क जो है इस क्राफ्ट में यूज होता है पहले देख लेते हैं लंबानी आइटम होता क्या ये एक kind of है ये काइंड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है प्रैक्टिस्ड बाय लंबानी ग्रुप इन कर्नाटका इस लंबानी ग्रुप को बंजारा कम्युनिटी भी बोला जाता है बंजारा कम्युनिटी इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स विविड कलर्स डेलिकेट नीडल वर्क एंड मिरर वर्क ठीक है जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नीडल वर्क जैसा हुआ है और काफी वाइब्रेंट कलर्स इसमें यूज होते हैं विविड क्लियर कलर्स इट हैज कोल्टिंग स्टिचेस एंड कंगूरा पैचवर्क बॉर्डर्स कोल्टिंग अगर आपने कोल्ट पे देखा होगा ऐसी काइंड kind ऑफ of जो स्टिचेस है जिससे कपड़ा थिक बन जाता है वो स्टिचेस भी इस पे यूज होती है एंड कंगूरा पैचवर्क बॉर्डर्स पे यूज किया जाता है कुछ ऐसी सी शेप का ये होता है ठीक है ये इसमें यूज़ हो जाता है क्विल्टिंग स्टिचेस एंड पैच वर्क लंबानी आर्ट जो है इसमें काफ़ी अभी क्या किस चीज़ पे जाता है इसमें काफ़ी चीजें जैसे क्लोथ्स हो गए टेक्सटाइल्स हो गए एक्सेसरीज होम डेकोर ज्वेलरी उन सब पे ये जो आर्ट है वो यूज़ होता तो है वो ट्वेंटी ट्वेंटी टेन में कर्नाटका ने इसको एक जीआई स्टेटस ज्योग्राफिक इंडिकेशन स्टेटस जो है लंबानी आइटम्स को वो दिया हुआ है अब बंजारा कम्युनिटी देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बंजारे आपके बेसिकली कौन होते हैं नो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं तो इट हैज़ बिन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स वानज मींस ट्रेड और कॉमर्स एंड जारा मीन्स जर्मनी सॉरी जर्नी बंजारा जो है इनको जिप्सीज भी बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं आप दमर्शियल नो मैट और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ही वो अपना बिजनेस काम जो है उसी तरीके से करते हैं बन, जो हैं, काफी स्टेट्स के होते हैं अलग अलग स्टेट इनको अलग अलग नाम बोलता है जो आंध्र प्रदेश में है इनको लंबाड़ा और लंबाड़ी बोलते हैं गवार और गवरिया राजस्थान में एंड लंबानी कर्नाटका में ठीक है इन्हीं का ये लंबानी आर्ट है तीसरी न्यूज देख लो प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड विथ द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है ये एक

अब अगर अवार्ड दिया जाता है तो किसी चीज की वजह से दिया जाएगा ठीक है तो ये किस वजह से दिया जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए अचीवमेंट्स इंडिविजुअल की बोथ वो फ्रेंच सिटीजन हो या फॉरेनर्स हो काफी फील्ड में जैसे आर्ट हो गया लिटरेचर साइंस स्पोर्ट्स एक्सेट्रा ठीक है ऐसे फील्ड में उनको रिकोगनाइज करने के लिए उनके काम को ये अवार्ड दिया जाता है ग्रैंड ऑफ लीज ऑफ ऑनर वॉज फाउंडेड इन एटीन हंड्रेड टू बाज में डिवाइड किया जाता है और ये जो पांच डिग्री है हायर टू लोअर आप इसको रैंक कर सकते हो अगर आप ऐसे ही बना दो तो जो सबसे लोएस्ट है वो हो गए आपके नाइट ठीक है उसके बाद आगे आपके ऑफिसर उसके ऊपर आगे आपके कमांडर उसके ऊपर आगे आपके ग्रैंड ऑफिसर और सबसे ऊपर है आपका ग्रैंड क्रॉस तो ग्रैंड क्रॉस जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो अभी रिसेंटली फ्रांस ने किसको दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी जो है ये क्रॉस ये दिखता कैसा है ये क्रॉस अगर आप देख लो तो इसका जो रिबन है वो रेड है इसमें फाइव आर्म्ड माल्टीज एस्ट्रिक इसको बोलते हैं ऐसा इस सिंबल बना हुआ है ठीक है फ्रॉम एन ओक एंड लॉरल रीथ ये जो बीच में आपको सराउंडिंग सर्कल दिख रहा होगा ये प्लांट्स का बना है फ्रॉम द ट्रीज ऑफ ओक एंड लॉरल ठीक है और आपको एक सिंबल मिलेगा रिपब्लिक का फ्रंट साइड पे और ट्राई कलर फ्लैग और इस पे एक जो इसका रिवर्स साइड है उस उसपे इंस्क्रिप्शन होगा फ्रेंच में ऑनर एंड फादरलैंड ठीक है तो ये इसकी डायग्राम है और ये ये अवार्ड है अगर चाहो तो याद रख सकते हो देखते हैं गवर्नमेंट ने रिवाइज की है क्रॉप रेवेड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस इनेबलिंग एफिशिएंट एक्ससी टू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ जनरेटेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा यूपी एंड दिल्ली ठीक है तो गवर्नमेंट ने क्या रिवाइज किया है आपका क्रॉप रेवेड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन जिससे एफिशियंट हो जाएगी एक्सी टू मैनेजमेंट किसकी पैरी पैरिस्ट्रॉ की जो जहां कहाँ पे जनरेट होता है पंजाब हरियाणा यूपी एंड डेली में अब देखते हैं इसके की क्या क्या है एक तो आपका क्रॉप रेवेन्यू मैनेजमेंट है जिससे एफिशियंट हो जाएगी एक्सी टू मैनेजमेंट दूसरा कीवर्ड किसकी? की वर्ड किसकी की पेडिस्ट्रॉ आपको पता है सिंपली रेजिडियो ऑफ राइस प्लांट है ठीक है अब क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट क्या होता है देखो जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप क्रॉप किसी भी क्रॉप को तो वहां पे जो रेजिड्यू रह जाता है चाहे वो लीव्स हो स्टेम स्टॉक्स हो या कोई प्लांट ऑफ या कोई पार्ट्स ऑफ क्रॉप हो जो हार्वेस्ट नहीं हुए हैं तो वो उस फील्ड पे बच जाते हैं ठीक है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप के बाद अब उसको आप कैसे मैनेज करते हो उसका प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग हैंडलिंग उसको हम बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट ठीक है अब गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया है एफिशिएंट जिससे हो जाएगा एक्सीटू मैनेजमेंट देखो एक्सिटू मैनेजमेंट क्या हुआ अगर जो भी फील्ड पे हार्वेस्ट करने के बाद जो भी रेजिड्यू रह गया है उसको आप उस फील्ड पे ही मैनेज करो फॉर एग्जाम्पल आग लगा दो सारे रेजिड्यू को फील्ड पे ही तो वो आपका इन सीटू मैनेजमेंट हो गया दैट मीन्स फील्ड पे आपने मैनेज किया ठीक है अब अगर जो रेजिड्यू रह गया उसको आप किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाओ और उसको कहीं और ले जाके मैनेजमेंट करो उसकी तो वो आपका एक्स एक्सिटू मैनेजमेंट हो गया दैट मींस उसको उस फील्ड पे आपने कुछ नहीं किया उस फील्ड से आप उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया आपने फिर देखा आगे उसका क्या करना है इन सीटू मैनेजमेंट पे एग्जाम्पल ले लो आप स्टाबल बर्निंग की स्टबल बर्निंग पॉल्यूशन डेली पॉल्यूशन के जो इश्यू है उससे रिलेटेड है देखो पंजाब में क्या करते हैं फील्ड पे वो रेजिड्यू वहीं जला देते थे तो वहां से धुआं उठता था वो स्मोक कहा ट्रेवल करता है आपके डेली और एडजॉइनिंग एरियाज में और डेली हमें पता है लैंड है तो जो सारा पोल्यूशन था वो डेली में लॉक हो जाता था जिसकी वजह से आपका वो फॉग के साथ भी मिलके क्या बनाता था स्मग तो उसकी जो अप, जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है डेली की वो आपकी रिलेटेड थी पंजाब की स्टबल बर्निंग से वो इन सिटी मैनेजमेंट हुआ एक्सिटी मैनेजमेंट में आप एग्जांपल ले लो जो भी रेजिड्यू रह गया है फील्ड पे अगर हम उसको कहीं और ले जाएं कोई इंडस्ट्री है फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड पाल्प इंडस्ट्री के लिए वो जरूरी को वो जरूरत होती है उस रेजिड्यू की वहां पे ले जाके उस इंडस्ट्री में हम वो रेजिड्यू को भेज दें तो वो उसका एक्सीट्यू मैनेजमेंट हो गया दैट मीनस वहां से हमने उसको ट्रांसपोर्ट करके एक दूसरी जगह ले गया ले गए और वहां पे अब उसकी मैनेजिंग प्रोसेसिंग जो करना है वो होगी ठीक है तो ये आपका हो गया है क्रॉप रेस मैनेजमेंट आगे देखते हैं अब हमें पढ़ क्यों रहे हैं क्योंकि एक टेक्नो कमर्शियल पायलट एक प्रोजेक्ट एक स्मॉल स्केल का प्रोजेक्ट जो है पैडी पेडिस चेन का ये स्टेब्लिश हो जाएगा इसमें क्या करेंगे इसमें एक बायोलेटरल अग्रीमेंट हुआ है किस किस के बीच में आपके इंडस्ट्रीज के बीच में और कुछ बेनिफिशरीज हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है इसको यूटिलाइज करने के लिए पैडी स्ट्रॉ कैसे यूटिलाइज करेंगे वो बेनिफिशरीज कौन कौन से आपके फार्मर्स रूरल ऑन्टरप्रेनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स एफ पी एंड पंचायत ठीक है इन बेनिफिशरीज के बीच में इंडस्ट्रीज के बीच में एक बायोलॉजिकल अग्रीमेंट हुआ है कैसे हमें यूटिलाइज करना है इस पैडी स्ट्रॉक को ठीक इसके लिए गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जो कैपिटल कॉस्ट होगा मशीनरी और इक्विपमेंट का मेन जो इनिशियल कॉस्ट होता है जो उनकी इंस्टॉलिंग वगैरह में यूज होता है वो असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा आपको गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट ज्वाइंटली बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्मेंट कितना फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंडस्ट्री देगी ट्वेंटी फाइव परसेंट और जो बेनिफिशरीज हैं वो देंगे टेन परसेंट ये डेटा कभी हो सकता है जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है प्री में तो ये डेटा आप याद रख लेना क्योंकि ये आपकी पी आई बी वेबसाइट पे दिया गया था तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है अब ये जो मैनेजमेंट है इसके आउटकम्स क्या है जो इनिशिएटिव है ये सप्लीमेंट करेगा जो ऑलरेडी एफर्ट्स हम लगाते हैं इन सीटू मैनेजमेंट के लिए उसको सप्लीमेंट करेगा ठीक है ड्यूरिंग द थ्री ईयर टेनयर ऑफ द इंटरवेंशन जितना ये टेन्यूर है ये काम करने का उस

बर्निंग विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस जैसे मैंने आपको बोला जो एयर पोल्यूशन इसकी वजह से होता है उसको आप उसको वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी इट वुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ अबाउट नाइन हंड्रेड थाउजेंड विच इज ए नाइन लैक मैन डेज इतनी जनरेट करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट अपर्चुनिटी इससे जो इंटरवेंशन से विल एनकरेज रोबस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ पेडिस्ट्रॉ इसको इंक्रीज करेगा जिससे फर्दर हेल्प हो जाएगी पेडिस्ट्रॉ को यूज करने के लिए किन किन चीजों में पावर जनरेशन हीट जनरेशन बायोसीएन जी एसेट्रा ठीक है तो इन सारे यूजेस जो है ये भी बढ़ जाएंगे पेडिस्ट्रॉक को आप इन चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो

ये हो गया आपका पिछले वाला जो हमने पढ़ा क्रॉप रेज्यू मैनेजमेंट अब देखते हैं सेवेंटीन कोऑपरेटिव कांग्रेस देखो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कोऑपरेटिव होता क्या है बेसिकली कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी ये एग्जिस्टेड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस इज अबाउट वन हंड्रेड फिफ्टीन ईयर ओल्ड सिंस इंडिपेंडेंस जो डिमांड है वर्कर्स की एसोसिएटेड विद द कोऑपरेटिव सेक्टर कि हमें एक सेपरेट मिनिस्ट्री दे दो कोऑपरेशन की ठीक है जो बाद में यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को स्टेब्लिश भी किया गया इंडिया में ठीक है अब देखो कॉपरेटिव मूवमेंट दरअसल होता क्या है ये होता क्या है कॉपरेटिव हैं क्या ये क्या करते हैं लोग अलग अलग लोग क्या करते हैं अपने रिसोर्सेज पूल कर देते हैं ठीक है चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई और सोसाइटी हो अपने उन्हें रिसोर्सेज पूल कर दिए बाद में जो उसका रिसोर्स पूल करने के बाद जो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो वो शेयर कर देते हैं ठीक है अब देखो फॉर एग्जांपल एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा अगर कोई आपको कम्युनिटी गार्डन बनाना है राधा देन जो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे दस लोग रहते हैं या ग्यारह कितने भी पंद्रह लोग रहते हैं वो अपना अलग अलग गार्डन बनाए इससे बेटर क्या होगा वो पंद्रह लोग पूल करके रिसोर्सेज एक कम्युनिटी बड़ा गार्डन बनाए उसके बाद जो उसके जो वहां से प्लांट मटेरियल निकलता है या जो फ्रूट्स निकलते हैं वहां से तो वो वो आपस में जो पंद्रह लोग हैं वो सारे बांट सकते हैं रिसोर्सेज वो आपस में डिवाइड कर सकते हैं तो ये कॉपरेटिव का जो बेसिक फंड है स्टार्ट करने का जैसे क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज होगी आपकी उसमें क्या करते हैं पैसे एक छोटा बैंक टाइप का बना लिए सब हर कोई अपना अपने अपनी तर, तरीके, तरफ से कुछ पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बाद में वो जो पैसे जमा हो जाएंगे उस पैसों से आप वो जो मेम्बर्स हैं जिनने वो कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा उनको आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो

प्रोडक्शन का थर्टी फाइव परसेंट है उसमें शुगर प्रोडक्शन थर्टी परसेंट स्पेंडल फिफ्टीन परसेंट मिल्क वीट एंड ट्वेंटी पैडी प्रोक्मेंट ये भी जो डेटा है ये पीआईबी का डेटा है चाहे तो आप याद रख ले रख सकते हो ये ठीक ही सेड दैट अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन कॉपरेटिव सेक्टर स्पेशली बाई क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटीज ठीक है हाउसिंग कॉपरेटिव फिशरी सोसाइटीज एंड एंडपरेटिव बैंक इंप्रूव करने के लिए लाइवलीहुड ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रूरल एरियाज में ही होता है आपका ये तो इससे क्या हो जाता है उनकी लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव हो जाती है आपको आप अमूल दूध पीते हो तो ये भी मिल्क कॉपरेटिव है ठीक है चाहे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो ये आपके मिल्क कॉपरेटिव में आता है देखो ये कॉपरेटिव कांग्रेस जो होते हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं कॉपरेटिव मूवमेंट में बेस्ट प्रैक्टिस शो केस करनाब्रेट चैलेंजेस बींग फेस एंड चॉक आउट द फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉपरेटिव मूवमेंट तो बेसिकली इंडियन कॉपरेटिव मूवमेंट के लिए क्या पॉलिसीज वगैरह हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या चैलेंजेस फेस करती हैं इंडियन कॉपरेटिव मूवमेंट उसके बारे में डिस्कस करना ये इस कॉपरेटिव कांग्रेस में होता है अभी रिसेंटली सेवेंटीन कॉपरेटिव कांग्रेस हुआ है किस थीम पे अमृतकाल थीम का नाम क्या था अमृतकाल ठीक है तो देर विल बी सेवन टेक्निकल सेशन होंगे जो मेन थीम ऑफ अमृतकाल है इसके सेवन टेक्निकल सेशन होंगे प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया ये इसका नाम है पूरा अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया इट विल विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन थर्टी सिक्स हंड्रेड स्टेक होल्डर्स इंक्लूंग्स फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू नेशनल लेवल डेलीगेट्स ऑफ ICOs, representatives of international cooperative alliances, representatives of ministries, universities, ऑफ इंटरनेशनल among others वगैरह ठीक है तो ये इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे तो सेवनटीन कॉपरेटिव कांग्रेस की ये थीम है सेवन टेक्निकल इसके होंगे ठीक है क्लियर हो गया कॉपरेटिव कांग्रेस क्या होता है ये देखिए श्री सर्बानंद सोनोवाल ये आपके कौन से मिनिस्टर है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के ठीक है इन्होंने अभी लॉन्च लौ, किया है कैंपेन टू ट्रांसफर्म सेवन लाइट हाउसेस लाइट आपके हाउसेजॉवर जिनके लाइट लगी होती है ये कहाँ पे होते हैं मोस्टली कोस्ट लाइन पे जो नेविगेशन में या कोई वार्निंग नेविगेशन uh, में या कोई जो वार्निंग सिग्नल्स देनी होती हैं आपके शिप्स वगैरह को ठीक है वार्निंग सिग्नल्स उसके लिए काम आते हैं सेवेंटी फाइव को एक किसमें कन्वर्ट करें टूरिज्म स्पॉट्स इन इंडिया में देखो नाम वगैरह तो इम्पोर्टेंट नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो वहां पे हो सकता है नाम ये पूछते हो ये जो अब इसमें आप क्या याद रखोगे जो कैंपेन है बिगिंस बिगे थ्री आइकॉनिक लाइट हाउसेस कहा किन से स्टार्ट हो रहा है द्वारा गोपनाथ विरावल इन गुजरात ट्रांसफॉर्म स्पॉट्स तो ये तीन नाम आप याद रखोगे और इसमें कुछ खास नहीं है एक एमओयू साइन हो रहा है बिटवीन इंडियन कोस्ट एंड कोस्ट गार्ड एंड नेवी किसके साथ विद इंडियन पोर्ट रेल एंड रोप कॉरपोरेशन लिमिटेड इन गांधीनगर प्लान डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कमीशन करने के लिए एक गैलरी ऑन द थीम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ पे एनएमएचसी में ठीक है विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ये कहाँ बन रही है एट दी इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल गुजरात लोथल में आपका क्या था ये आईएसवी आईसीवी आईवीसी जो है आपका इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन उसकी एक साइट है लोथल इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे आपका एक डॉक था ठीक है ये भी आप याद रख सकते हो ये एमओयू साइन हो रहा है आईसीजी इंडियन नेवी का किसके साथ इनके साथ इंडियन पोर्ट रेल एंड रोप एंड रोप वे लिमिटेड के साथ ठीक है ये एक गैलरी बनाएंगे किस थीम पे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी दिखाएंगे एंड इंडियन कोर्स कैसे वो इवॉल्व हुई और ये थीम में जो गैलरी है कहाँ पे बना रहे हैं एनएमएचसी में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अभी एनएमएचसी क्या होता है इसमें क्या क्या चीजें हैं एक मेरी म्यूजियम है लाइट हाउस म्यूजियम है थीम पार्कस है अम्यूजमेंट पार्क सेंटर्स है ये शोकेस करेगा मेरीटाइम हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंशंट टाइम्स से मॉडर्न टाइम्स तक बाय एडोप्टिंग एन एजुकेशनल एजुर्टेनमेंट अप्रोच यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंडिया मेरी हेरिटेज तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें होंगी जिससे आपको इंडिया के मेरी हेरिटेज के बारे में पता चलेगा वहां पे कहीं गैलरी बनी होगी ठीक है जहाँ पे सारी इमेजेस होंगी इससे वो एवोल्यूशन जो है वो देख सकोगे और वहां पे कुछ पार्क्स भी आपको मिलेंगे मैरिटाइम पार्क थीम पार्क अम्यूजमेंट पार्क सेंटर्स इट विल हैव सेवरल इनोवेटिव एंड यूनिक फीचर जैसे लोथल मिनी रिक्रिएशन टू रिक्रिएट हरप्पा आर्किटेक्चर एंड लाइफ स्टाइल फोर थीम पार्क मेमोरियल मेरी एंड नेवी क्लाइमेट थीम पार्क एडवेंचर अम्यूजमेंट थीम पार्क फोर्टीन गैलरीज होंगी हाईलाइटिंग इंडियाज मेरी हेरिटेज स्टार्टिंग फ्रॉम हरप्पा टाइम्स टिल नाउ अगर एन एम एस सी के बारे में थोड़ा आ जाता है तो ये आई थिंक इतना कंटेंट काफी होगा आपके लिए, लिए पी आई बी से कॉपी किया है तो जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रख सकते हो एनएमएससी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम होगा और एशिया का बिगेस्ट अंडर वाटर मरीन म्यूजियम होगा इंडिया का ग्रांडेस्ट नेवल म्यूजियम होगा ठीक है वर्ल्ड का टॉलेस्ट वर्ल्ड का टॉलेस्ट और एशिया का बिगेस्ट ये याद रखना वर्ल्ड का कहाँ पे है वर्ल्ड का क्या है लाइट हाउस होगा और एशिया का अंडर वाटर मरीन म्यूजियम होगा और इंडिया का ग्रांडेस्ट नेवल म्यूजियम जो एन में है ये आपका होगा ठीक है तो आगे रिमेनिंग पोर्शन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे टिल देन बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे